Hello and a very good morning to all you viewers out there. You're watching the Morning News Show on CNN News 18. And I am Shriya Kundu, here to take you through all the top stories of the day from across the nation and around the world. And well, we begin the segment with the most important news of the hour. What is going on in Maharashtra? Well, after Ajit Pawar took oath as the Deputy Chief Minister of Maharashtra and joined the Shinde-led government, the battle for the NCP symbol and the logo might get uglier in the upcoming days. Well, yesterday, Ajit Pawar reiterated his claim that he has the support of 40 NCP MLAs and that he now controls the party and its symbol. On the other hand, NCP Chief Sharad Pawar also said that the party and MLAs are indeed with him, excluding the ones that took the oath. His faction has even filed a plea before the Assembly Speaker to disqualify those 9 MLAs, including Ajit Pawar, for anti-party activities, while also sacking 2 of their rebel MPs, Sunil Tatkare and Praful Patel. Now, Ajit Pawar hit back at Sharad Pawar, saying that the disqualification is meaningless because party name and the symbol belongs to us. Meanwhile, Uddhav Thackeray as well as the Maharashtra Congress have called a party meeting today. जो शुरुआत की बाला साहेब ठाकरे जी के विचार और भूमिका को लेकर आगे बढ़े और अभी जब भी हमें केंद्र सरकार ने भी सपोर्ट किया क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी और नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित भाई ने हमें सपोर्ट किया, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी ने सपोर्ट किया। अभी अजीत दादा ने भी कहा है कि विकास को हम साथ दे रहे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, तो उन्होंने विकास को साथ दिया है और हमने हमारी भूमिका हमने बदली नहीं है। हम जो विकास की भूमिका है उसे आगे लेके जाएंगे। बहुसंख्य आमदार हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाबरोबर आमच्याबरोबर आहेत। आम्ही सगळेजण एकत्रपणे काम करतोय, पुढेही आम्ही महाराष्ट्राच्या भल्याकरता काम करत राहणार, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या बळकटीकरणाकरता काम करत राहणार आणि तसंच देश पातळीवर जे नरेंद्र मोदी साहेबांचं नेतृत्व आहे त्या नेतृत्वाखाली देश जो आगेकूच करतोय त्याचाही पाठिंबा देत त्या गोष्टीला त्याच्यामध्ये त्या केंद्राचा फायदा देखील राज्याच्या विविध विकास कामांच्या करता जो निधी लागतो, परवानग्या लागतात, इतर काही गोष्टी लागतात त्याचा पण त्याच्यामध्ये व्हावा। कभी कम हो जाती है, कभी चुने हुए साथी छोड़ जाते हैं। ये बात शायद आप लोगों को नहीं रही होगी, मुझे फास्ट एक्सपीरियंस ऐसे चीजों के बारे में 2-3 बार हुआ है और मुझे खुशी इसकी है कि जब ऐसी स्थिति का सामना करने की स्थिति मुझ पर आ गई चुनाव होने के बाद, लोगों ने मेरी जो नीति थी उसका समर्थन दे दिया। स्थापना दिवस के निमित्त 21 जून 2023 को मुझे हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उसी के तहत मैं मेरी जिम्मेदारी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के नाते निभा रहा हूं। इसके पूर्व सितंबर 2022 में पार्टी का नेशनल एक अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में के बाद पहली बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष के नाते, क्योंकि ये पोस्ट पहले नहीं थी, मुझे नियुक्त किया गया था। किसी ने यू टर्न नहीं लिया है, वो पहले से सांप के साथी था, आज भी वो सांप के साथी है, सांप का साथी है वो। उसने कहा है कि मैं साहिबान सोबत चाहे। ऐसे कई लोग थे जो शपथ विधि में थे, उनको गुमराह करके लेके गए थे, कुछ अलग बताया था। लोग कभी कभी फंस जाते हैं, अनजान होते हैं, भोले होते हैं और बहुत लोग वापस आ रहे हैं, अब तो देखते तो जाइए। पवार साहब के पार्टी में कुछ लोगों ने निर्णय लिया है
वो तो इनडिसिप्लिनरी रिएक्शन तो होता है। अब उसके अंदर पार्टी में क्या है उनके साहब के पवार साहब के, तो मैं क्या उसका पर टिप्पणी करूँ, लेकिन ठीक है हमारे यहाँ भी हो गया। जहाँ जहाँ बीजेपी पार्टी तोड़ सकती है तोड़ने की कोशिश करेगी 2024 तक बाद में देखा जाएगा। क्या वो हमेशा जनता में रहने वाले नेता है, तो दो चार लोग तोड़ने से पार्टी नहीं टूटती।